Hello everyone, this is Shubhi Gupta and I am here again for delivering lecture number 6. As we have discussed कि हम लोग आज के लेक्चर में हनफी स्कूल ऑफ लॉ और लॉ ऑफ सक्सेशन दो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं. हनफी स्कूल ऑफ लॉ, पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या बोलते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में हनफी स्कूल ऑफ लॉ के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ चुके हैं. सो प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चंस की, दोनों टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो यस, हनफी स्कूल ऑफ लॉ के बारे में फिर से पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट. एंड लॉ ऑफ सक्सेशन के बारे में पहले नहीं पूछा है, बट यस शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर बोथ दी थिंग्स. हनफी स्कूल ऑफ लॉ पे आते हैं. अब स्कूल ऑफ लॉस की ही बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस बढ़ रहा था, वैसे ही इंटरप्रिटेशंस बढ़ रहे थे. अब अलग लोग अलग व्यूज़ अलग इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वेल डिफाइंड स्कूल ऑफ लॉस इस्टेब्लिश हो गए. अब ये वेल डिफाइंड स्कूल ऑफ लॉस इस्टेब्लिश हुए तो इसमें हम जानते हैं कि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंगली चार स्कूल ऑफ थाट्स आते हैं, चार स्कूल्स ऑफ लॉ आते हैं. कौन कौन से हैं, इनके नाम हैं मलिकी स्कूल, हनफी स्कूल जिसे हम पढ़ेंगे, हनबली स्कूल एंड शफी स्कूल. चार स्कूल्स हैं. हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हनफी स्कूल ऑफ लॉ की बात करेंगे क्योंकि यही एक स्कूल ऑफ लॉ है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है, सो मलिकी, हनबली एंड शफी हमें नहीं पढ़ना है, पर नाम पता होना चाहिए कि यस दे आर फोर स्कूल्स अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, बट हम यहाँ पे हनफी स्कूल की बात करते हैं. हनफी स्कूल ऑफ लॉ लिबरल माना जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो, हनफी स्कूल ऑफ लॉ किसने एस्टैब्लिश किया था, हैव अ लुक ऑन योर डॉक्यूमेंट. यस, इमाम अबू हनीफा, जिनका पूरा नाम है अबू हनीफा अनुमन इब्न थाबित. इन्होंने हनफी स्कूल की फाउंडेशन रखी. हनफी स्कूल को बहुत लिबरल माना जाता है दो कारणों से. पहली बात तो ये कि मिडिवल पीरियड में इस स्कूल का जो कंडक्ट है, इस स्कूल के जो रूल्स थे, वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ काफ़ी लीनियंट थे. सेकेंडली, इसको लिबरल इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ये कियास के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. हम लोगों ने कल लेक्चर में बात की थी ना, लेक्चर नंबर 5 में, कि कियास के प्रिंसिपल को यूज़ करके अबू हनीफा ने अपना हनफी स्कूल बनाया है. तो कियास का प्रिंसिपल बहुत यूज़ किया है इन्होंने, और कियास का प्रिंसिपल रीज़न पे बेस्ड होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसका लिबरल व्यू झलक जाता है. ये जो हनफी स्कूल ऑफ लॉ है, ये नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट था इन द मिडिवल टाइम्स. सो हनफी स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन के लिए इतना जानना काफ़ी है. मूविंग टूवर्ड्स अदर थिंग्स, अबू हनीफा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं. अबू हनीफा कौन थे? ही वॉज अ ज्यूरिस्ट, ही वॉज अ प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट, जिनका जन्म 80 AH में हुआ था एट कूफा इराक में. अब 80 AH, AH क्या है? जैसे AD होता है एनो डोमिनी, हम क्रिश्चियन एरा को फॉलो करते हैं, वैसे AH होता है हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली. सो 80 AH में कूफा में इनका जन्म हुआ था. अब कूफा इज़ अ सीट ऑफ लर्निंग, उसको प्लेस ऑफ लर्निंग ही कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कई ज्यूरिस्ट हुए. तो क्योंकि वो जगह लर्निंग के लिए फेमस थी, सो ही इवेंचुअली गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि वो लर्नड मैन के कॉन्टैक्ट में आ सके, ऐसे महान ज्यूरिस्ट के कॉन्टैक्ट में आ सके जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा. प्लस अबू हनीफा में, अबू हनीफा की मेमोरी बहुत ही अच्छी थी, ही गॉट अ वेरी रिटेंटिव मेमोरी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लैरिफाइड वाली थी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था उनको. सो इतनी सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से एंड प्लस उनकी अनटायरिंग एनर्जी की वजह से ही वॉज ऑलवेज रेडी टू लर्न. इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं उस इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस में, फिक्ह में, इन्होंने अपना नाम इस्टेब्लिश किया. ओके, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया है तो हम याद रखते हैं, हम आपको बताते हैं कि फिक्ह का मतलब होता है इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस. सो फिक्ह वर्ड याद रखना, FIQH है, इसको इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस कहते हैं. सो स्लोली ग्रेजुअली टाइम वेंट ऑन, 80 AH में इनका जन्म हुआ. आफ्टर 40 ईयर्स, दैट इज़ 120 AH में ही स्टार्टेड गिविंग डिस्कोर्सेज, इन्होंने लेक्चर्स देने स्टार्ट किए अबाउट इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस, फिक्ह के बारे में. अब जब इन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते चले गए. लोग
बहुत दूर दूर से आते थे इनको सुनने के लिए, रिचुअल्स के बारे में पूछने के लिए, ट्रेडिशंस के बारे में पूछने के लिए, अलग अलग लॉज के बारे में क्वेश्चन करने के लिए इनके पास आते थे. एंड ही वॉज ऑलवेज रेडी टू डिलीवर लेक्चर्स टू देम टू हैव एन ऑडियंस. इसीलिए ये चीज़ ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि इन्होंने देन अराउंड 132 एज में ही इस्टेब्लिश्ड या ही फॉर्मुलेटेड अ कमिटी ऑफ 40 मेम्बर्स. इन्होंने 40 मेम्बर्स की एक कमिटी बिठाई एंड देन ही स्टार्टेड कंपाइलेशन ऑफ इस्लामिक ऑफ लॉज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस. तब उन्होंने एक रेगुलर मशीनरी बना ली कि यस अब हमें कंपाइल करना है अपना काम जो भी चीज़ें हैं. इस कमिटी ने 22 ईयर्स लिए कंपाइलेशन के लिए, बट जो कंपाइलेशन के बाद काम आया दैट वॉज कुतुब अबू हनीफा, मतलब हनफी स्कूल ऑफ लॉ की जो बुक थी वो तैयार हो चुकी थी. इस बुक को कंपाइल करने के लिए अबू हनीफा के साथ साथ उनके डिसाइपल्स भी शामिल थे. उनके डिसाइपल्स में नाम आता है जफ़र का, इमाम यूसुफ का, जो खुद भी ये डिसाइपल्स ऐसे थे जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे. ये लोग खुद इतने टैलेंटेड थे कि नॉट ओनली इन वन सब्जेक्ट बट दे वर आल्सो हैविंग बैकग्राउंड्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स. तो अबू हनीफा के साथ साथ इन्होंने अपने भी थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ज्यूरिसप्रूडेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें दिए हुए हैं. इसीलिए इन्होंने हनफी स्कूल ऑफ लॉ को और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, प्रोपोगेट किया है. मूविंग अवे फ्रॉम अबू हनीफा, अब अबू हनीफा के टॉपिक से हम हनफी स्कूल पे आ जाते हैं कि ये फॉर्मुलेट कैसे हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई. सी, जैसे जैसे इस्लाम पहले तो अरेबिया में था, बॉर्डर लगा हुआ था, फिर जैसे जैसे उसका बॉर्डर बढ़ा, इस्लाम स्प्रेड हो रहा था, अलग अलग एरियाज इस्लाम के पहुँच में पहुँच रहे थे, तो क्या हुआ, सोसाइटी का इंटरमिक्सचर हो रहा था. बहुत सारे लोग जो सिंपल सोसाइटी मान के जी रहे थे उनकी सोसाइटी धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स होने लगी थी. अब रूल्स और रेगुलेशंस की और ज़्यादा ज़रूरत थी. सो अबू हनीफा वॉज अ पर्सन हु रियलाइज कि अब एक टाइम आ गया है कि हमें अच्छे से कंपाइल करके ज्यूरिसप्रूडेंस के लॉज को लिख देना चाहिए. सो इट वॉज हिम हु फेल्ट दिस नीड. उसी वजह से उन्होंने कमिटी बिठाई, अपने मेम्बर्स को लिया डिसिप्लिन के साथ और कियास प्रिंसिपल यूज़ करके, दैट इज़ एनालॉजिकल डिडक्शंस करके उन्होंने अपने काम किए एंड कंपाइल किया. एंड देयरफॉर वी आर रीडिंग टुडे अबाउट हनफी स्कूल ऑफ लॉ. अब उनके मेथड्स कैसे थे, मेथड में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पता होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल वॉज कियास जो उन्होंने यूज़ किया. बेस किस पे था उनका ये हनफी स्कूल ऑफ लॉ, इट वॉज बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस. कुरान के बारे में वो ये सोचते थे कि कुरान इज़ अ इटर्नल लॉ, कुरान इनसेपरेबल है, भगवान का वर्ड है, इसीलिए उसकी बात माननी ही माननी होती है. ही वॉज ऑफ दिस व्यू. सेकेंड थिंग, उन्होंने कहा कि कुरान को यूज़ करके हम रिचुअल्स का पता लगा सकते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स को डिड्यूस कर सकते हैं. सो इतनी चीज़ें तो हम इजीली कुरान से पता कर सकते हैं. सेकेंड, हदीस दैट मीन्स ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस को लेकर वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. उनका मानना था कि ट्रेडिशंस को बहुत अच्छी तरीके से परखना चाहिए. जैसे इब्न खालदून लिखते हैं कि देयर वर सो मेनी ट्रेडिशंस बट उन्होंने अपने वर्क में सिर्फ और सिर्फ 17 ट्रेडिशंस इंक्लूड किए हैं बिकॉज ही वॉज सो मच स्ट्रिक्ट अबाउट ट्रेडिशंस. क्योंकि जब तक की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, जब तक की वैलिड रीजनिंग नहीं होगी, तब तक की वो अपने काम में उस ट्रेडिशंस को इंक्लूड नहीं करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स क्लियर. बहुत सिंपल है, कुछ ही पॉइंट्स हैं, जस्ट रिमेंबर इट. देन मोर ओवर, ये पहले ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने कियास की डॉक्ट्रिन को इतना प्रोमिनेंस दिया. अच्छा, कियास के डॉक्ट्रिन को इतना प्रोमिनेंस इसलिए भी दिया ना क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हदीस बहुत ज़्यादा हदीस की जो नॉलेज थी ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी. सो इसीलिए इन्होंने कियास के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से यूज़ किया एंड देयर बाय एक रेगुलर मशीनरी इस्टेब्लिश की, दैट इज़ वही कमिटी इस्टेब्लिश की जो प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट कर रही थी एंड कुतुब अबू हनीफा हमारे सामने था. देन ही यूज़ अ रीजनिंग, ऑब्वियसली कियास यूज़ किया है इन्होंने, एंड
ऑल्सो ही यूज द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल? जस्ट रिमेंबर, कल लेक्चर में उन्होंने कौन से प्रिंसिपल की बात की थी? वो प्रिंसिपल इन्होंने यूज़ किया जो कि रिलेट करता था जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस से. यस, इफ़ यू रिमेंबर द नेम, इस्तिहासन का प्रिंसिपल इन्होंने यूज़ किया. ठीक है, कि अगर, क्या चीज़ थी इस्तिहासन का प्रिंसिपल? अगर किसी का इंटेंशन अच्छा है, कोई जजमेंट गुड कॉन्शियंस पे हो रहा है, जस्टिस पे हो रहा है, इक्विटी को बेस करके हो रहा है, तब उस टाइम पे कियास के प्रिंसिपल को थोड़ा साइडलाइन किया जा सकता है. ठीक है, सो ये मेथड थे उनके प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करने के, ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे. सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द वन हु कमेंस्ड द इस्लामिक लॉ, मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग की इनिशियली. लेकिन अबू हनीफा वो पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक वे में उसको लिखने का, उसको कंपाइल करने का सोचा. एंड अबू हनीफा ने क्योंकि सोचा, इसीलिए उनके साथ जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने उस वर्क को और इवेंचुअली पोस्टेरिटी के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, अमर कर दिया उस चीज़ को अपनी रेंडिशंस देकर. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, देखो अबू हनीफा के बारे में चीज़ें याद रखना, प्रिंसिपल्स क्या थे फॉर्मुलेट करने के और क्यों हुआ, इजी सा है, जस्ट रिवाइज इट एंड यू विल डेफिनेटली रिमेंबर. नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आ जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ सक्सेशन इन मिडिवल इंडिया. इसी के साथ हम यूनिट वन के टॉपिक फोर्थ को स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ सक्सेशन इन मिडिवल इंडिया. अच्छा, लॉ ऑफ सक्सेशन नाम से ही पता चलता है ना, सक्सेशन का लॉ क्या था मिडिवल इंडिया में, हमें ये बात करनी है यहाँ पे. तो मिडिवल इंडिया में, चाहे वो सल्तनत पीरियड हो चाहे वो मुगल पीरियड हो, हमें देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंट डायनेस्टिक चेंजेस हुए हैं, फ्रीक्वेंट रूलर्स चेंज हुए हैं, एक्सेप्शंस ऑब्वियसली हर जगह हैं, लेकिन चेंजेस होते रहे हैं. सो मिडिवल इंडिया में जो टर्को अफगान रूलर्स का बनाया हुआ एम्पायर था, उसमें हमें कोई भी डेफिनेट सक्सेशन लॉ नहीं देखने को मिलता है. क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि वो बेसिकली मिलिट्री डेस्पॉट्स होते थे, उनको लड़ना आता था, उनको रूल करना आता था. सो इवेंचुअली उनको ये लगता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनकी तलवार हाजिर है और सॉल्यूशन अपने आप से निकल आएगा. ऑब्वियसली दे ओनली नो हाउ टू फाइट. उन्होंने कोई प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करने की स्टार्टिंग में तो कोशिश ही नहीं की. यस, अगर हम और चीज़ें बात कर रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ जो सॉवरेनिटी होता है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है, सी द बोल्ड थिंग्स, कि एक पर्टिकुलर रूलर या कौन वो पर्सन होगा जो क्या बोलते हैं उसको, जिसको हक होगा रूल करने का, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी. ये क्वालिटीज़ दी हुई हैं कि वो एक मेल होना चाहिए, उसमें कोई फिज़िकल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर इस्लाम का, या ही शुड बी हैविंग फेथ इन इस्लाम, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड वो इक्विटी जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे रूल कर सके, प्लस वो लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया हो. सो ये जो भी प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो होते थे, हाँ कभी कभार फॉलो होते थे. क्योंकि हमें एग्जाम्पल मिलता है रज़िया सुल्तान का, शी वॉज नॉट अ मेल, शी वॉज वुमेन बट शी रूल्ड. तो ये एक हो गया. सेकेंडली एग्जाम आता है कैक्यूबाद का, जो बलबन के ग्रैंडसन थे, ही वॉज अ पैरालिटिक बट स्टिल ही वॉज अ किंग. सो ये एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमेशा ही इस्लामिक लॉ ऑफ सॉवरेनिटी फॉलो नहीं किया जाता था. मूविंग टूवर्ड्स अदर थिंग्स, और चीज़ें हम क्या कह सकते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द मूविंग टाइम सुल्तान्स ने, रूलर्स ने ट्राई किया कि वो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन को फॉलो कर सकें, वो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर फॉलो कर सकें, मतलब बाप के बाद बड़ा बेटा गद्दी पे आए, उसके बाद उसका बड़ा बेटा आए, दैट इज़ रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर. उसके बाद ये भी ट्राई हुआ कि नॉमिनेशन किया जाए, जो नेक्स्ट सुल्तान हो उसको नॉमिनी बना दिया जाए. ये सारी चीज़ें ट्राई आउट हुई बट वर्क नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि एक बार जब कोई राजा मरता था या उसका मर्डर हो जाता था और दूसरा उसकी पार हथियाने आ जाता था,
तो अगर कोई उससे फाइट करना चाहे तो करता था, नहीं तो इवेंचुअली बहुत ही आसानी से लोग उसी के पीछे पीछे चल देते थे। एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर ज़रूर किया था, तो क्या हुआ था? कुछ लोगों ने पोस्ट किया होगा, वो क्या हुए होंगे, मर गए होंगे। सो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल याद करो, नॉमिनेट किया था शाहजहाँ ने दारा शिकोह को, बट वर्क किया नहीं किया, क्योंकि जिसको रेबल करना था औरंगज़ेब को उसने किया, फिर फेट्रीसीडल वॉर भी हो गया। सो हम जानते हैं कि हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। और ये सारे आपके जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव में लॉ ऑफ सक्सेशन हम पढ़ रहे हैं। रिमेंबर आई एम सेइंग इट अगेन, हम यहाँ पे हिस्ट्री को लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जनरलाइज्ड प्रिंसिपल में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम कोट कर सकते हैं कि लॉ ऑफ सक्सेशन ठीक से फॉलोअप नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यही कारण था कि इतना फ्रीक्वेंट डायनेस्टिक चेंज भी होता जा रहा था। सो ऑन द होल लॉ ऑफ सक्सेशन था मिडिवल पीरियड में, कोई फिक्स या डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये दो टॉपिक्स ओवर होते हैं। रिवाइज करवाने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक कि आज रिवाइज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसी के साथ लेट अस स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन मिडिवल इंडिया। अच्छा, अब डिवीजन और ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं मिडिवल इंडिया में, दैट मीन्स हम दोनों टाइम पीरियड की बात करेंगे, सल्तनत की भी बात करेंगे और मिडिवल मुगल पीरियड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। चलो ऑफिसर्स की बात हम कल करेंगे, आज हम डिवीजन्स की बात कर लेते हैं कि जो एम्पायर था वो किसके अंडर आता था। सल्तनत पीरियड में सुल्तान के अंडर आता था, मुगल पीरियड में एम्परर के अंडर आता था, राइट। अब ये जो पूरा एम्पायर था दोनों ही टाइम पीरियड में, उसको अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया। सल्तनत पीरियड में प्रोविंसेस को इकता कहते थे, ये चीज़ें कल फिर से बताएंगे ऑब्वियसली, लेकिन आज एक ओवरव्यू फ्रेम जान लो। एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा जाता था जिसको इकता कहते थे इन द सल्तनत पीरियड। इन इकतास को शिक में बांटा जाता था, शिक उससे छोटी यूनिट होती थी, और ये शिक हमें आफ्टर 13th century देखने को मिलती है। फिर शिक को सरकार में डिवाइड किया जाता था, सरकार को परगना में डिवाइड किया जाता था, एंड परगना इज़ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो उसके नीचे वाली यूनिट आती थी विलेज, एंड विलेज का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। देन मुगल पीरियड में अगर हम इसी तरीके के डिविजन्स की बात कर रहे हैं, तो मुगल पीरियड में एम्पायर जो होता था उसको सूबा में डिवाइड करते थे, सूबा को फर्दर सरकार में डिवाइड करते थे, सरकार को परगनास में, परगनास को विलेज में। सो कंपैरेटिव स्टडी करो तो सरकार, परगना, विलेज, ये हमें दोनों टाइम पीरियड में मिलता है, एम्पायर भी दोनों टाइम पीरियड में मिलता है, लेकिन सल्तनत पीरियड में दो यूनिट आती है इकता और शिक, और वहीं मुगल पीरियड में एक यूनिट आती है सूबा। नंबर ऑफ सूबा चेंज हुए हैं विद दी एम्परर्स। सो ओवरऑल ये व्यू याद रखो, बाकी डिटेलिंग कल करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क पता होना चाहिए एटलीस्ट, तो इजी रहेगा, और कल आई थिंक हमारा फिर से जल्दी ही कवर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो अपनी चीज़ें, अच्छे से रिवाइज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिवाइज करवाने वाला यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सो आई एम नॉट हैविंग दैट रिविजन टुडे। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल, बी एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।